एक्शन। हाँ थोड़ा इजी होना पड़ेगा आपको दिशा के साथ। आई एम रियली वरीड फॉर हर। फिर 3 दिन बाद शादी क्यों किया इफ यू वर सो वरीड? हैं क्या मतलब? मतलब दिशा की माँ की डेथ के बाद शी नीडेड यू। तो क्या करती है दिशा को लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है आपके पास, आपसे शादी कर लेती क्योंकि दीदी नहीं है? ओनली यू कुड हैव सो थॉट ऑफ सच इडियटिक थॉट्स। दिशा और ईशा कभी तुम्हारा प्रायोरिटी था ही नहीं। दैट्स वेरी सैड। That's why you don't like me, no? ना, तुम्हें लाइक ना करने के लिए मेरे पास कई सारे रीजन है। दिशा के दिमाग में तुम ये शादी शादी बार बार मत बोला करो। मैं उससे अलग नहीं हो सकता। I am an emotional man. Emotional man. Emotional होते ना माय दीदी would have been happy. सुनो, तुम ये दत्ता सिस्टर्स ना हमेशा ब्लेम गेम खेलना बंद करो। एंड आई वरी कि दिशा भी ऐसी बनती जा रही है। एंड मैं भी ना तुम मिस्टर्स को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो भारतिका की तुम्हारी इसे पतली सी नाइटी पहन के ना घूमती रहती है सारा दिन, दैट टू विदाउट अ ब्रा। और ये क्या दिन में 50 बार अपना बीपी चेक करवाते रहते हो? और कौन तुमसे ये भारत क्या कह गया है कि यू स्टार्टेड पैनिकिंग? अब एज है, थोड़ा ऊपर नीचे तो होता रहेगा, इसमें क्या नॉर्मल है? बीपी बढ़ गया तो मिश्रा जी आपको कुछ नहीं हुआ है। यू सिंपली जस्ट गोइंग थ्रू मेनोपॉज। सब आदमियों को होता है ये एज।